हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं गुलाब जी ने कलेक्शन में आपका एक बार फिर से वेलकम और स्वागत करता हूं। दोस्तों आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे आपको मालूम होगा, मेरे चैनल के माध्यम से मुंबई के अंदर ओल्ड क्वाइन नोट्स का एग्जीबिशन चल रहा है, जिसका डेट था 2-3-4 दिसंबर 2022। दोस्तों आज इस एग्जीबिशन का लास्ट डे है, यानी संडे का दिन है। इसके बाद ये एग्जीबिशन ख़त्म होगा, दोबारा नहीं होगा। दोबारा कहीं भी इंडिया में एग्जीबिशन होगा तो उसका मैं अपडेट दूंगा अपने चैनल के माध्यम से। तो जो भी मेरे नए व्यूअर आएंगे या जो सब्सक्राइबर हैं, वो पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी मैं वीडियो अच्छा लगे वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से सही जानकारी मिले। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं अपना व्यू बढ़ाने के लिए, लेकिन अफसोस की बात है वो लोग को बस गलत बोलते हैं। बहुत सारे लोग इंडिया के दूर दूर से आते हैं, कुछ ऐसे फ्रॉड नोट के बारे में इतना ना झूठ बोला है कि लोगों को सच लगता है। और आज के डेट में मैं देखता हूँ लोगों को सच पसंद नहीं है, झूठ बहुत पसंद है। जैसे एक ट्रैक्टर वाला 5 का नोट का मैं बोलूँगा 7 रुपया वैल्यू है, बोलेगा अरे आप झूठ बोले हो, तो किसी ने 2 लाख 3 लाख 4 लाख बताया, तो प्लीज़ फ्रेंड उससे दूरी रहे, उसका उतना वैल्यू नहीं होता है। इसी तरह मैंने पहले दिन जो वीडियो बनाया था उसमें स्पेशली जो ऐसे जो रूमर फैले हुए हैं, रॉन्ग रूमर, गलत, जैसे मतलब गेंडे वाला सिक्का या ट्रैक्टर वाला, ये सब फेक होता है। और थोड़ा व्यू दिखा दीजिए, इंडिया के कोने कोने से आदमी अपना कलेक्शन लेके आए हैं। तीसरा दिन है, डीलर भी दिखा दीजिएगा, यहाँ पे डीलर भी है, कलेक्टर भी है, यानी कोई ले रहा है, कोई सेल कर रहा है, जिनको सेल करना है वो सेल कर रहा है, किसी को लेना है वो ले रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं हमारे कुछ ये पंजाब से आए हुए हैं और ये सारे बहुत सारे हैं, थोड़ा इधर आ जाइए सर, देखिए थोड़ा मैं इनको बताता हूँ। आपका क्या नाम हुआ, इधर सर देख कर बताइए, थोड़ा दूर। क्या नाम है? मुल्खा सिंह। मुल्खा सिंह, इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ, गुड नेम मुल्खा, कहाँ से आए हैं? हम गुरदासपुर से आए हैं सर। गुरदासपुर यानी पंजाब से आए? हाँ जी। अच्छा चलिए ठीक है। ये सब आपका ये कलेक्शन है, थोड़ा नीचे कर दीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये बहुत सारा कलेक्शन लेकर आए हैं और इसे मैं लाइव बात कराऊंगा या वैल्यू बताऊंगा। ये देख रहे हैं इसका कलेक्शन है, ये कितना दिन से कलेक्शन कर रहे हैं सर, आप एक बार बताइए। कल के आए हैं। अरे यहाँ कल के आए, ये कितना दिन से जमा कर रहे हैं? ये तो मेरे को 4 साल हो गया, 5 साल। अच्छा 4 साल हो गया। अच्छा यहाँ तो आप कुछ सोच के आए होंगे, जैसे ये वाले नोट का आपने इससे पहले भी वीडियो देखा है? हाँ जी। क्या देखा है आप बताइए मेरे इधर। इसका बताते हैं जी 5 लाख रुपया। 5 लाख? हाँ जी। अब लाइव बताइए इसका यहाँ क्या वैल्यू बताया? कुछ भी नहीं, इसका 5 रुपये। 5 रुपये, समझ गए दोस्तों, अब लाइव बता रहा हूँ। अच्छा देखो, अगर ये 5 लाख रुपया इनका होता तो देखो इनके पास कितना पैसा होता, 5 लाख 10 लाख, ये कितना, 1 2 3 4 5 6 और भी है ऐसा होता। ये पंजाब से आए हैं, अब बताओ आने जाने में 2-4 हज़ार 5 हज़ार किसी का लग जाता है। ठीक है, अब प्लस ये तो इसके लिए मैं बोलता हूँ गलत वीडियो मत देखिए, नुकसान के अलावा कुछ नहीं। देख रहे हैं ये ट्रैक्टर वाला है, हल्ला हल्ला क्यों रहता है। मैं कोई मेरे को व्हाट्सएप पे भी करता है, मैं नंबर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, कि जिसका अच्छा कलेक्शन रियर होगा तो उसी का मैं कलेक्शन लेता हूँ, और बाकी मैं कॉमन कलेक्शन नहीं लेता हूँ। ठीक है, और अच्छा इसका तो एक का बताया, इसका भी वैल्यू बताया कोई चैनल पे? सिर्फ ट्रैक्टर वाला आप सोच के आए ना, और कोई और भी कॉइन? माता वैष्णो देवी का एक बार दिखाइए, माता वैष्णो देवी का दिखाइए हमारे दर्शकों का, है कि उनका नशा उस पर सवार है। नहीं नहीं नया में, हाँ ये रहा। अच्छा ये दोनों दिखाता हूँ आप देखिए, ये देखिए ये माता वैष्णो देवी वाला क्वाइन है, जिसको लोग पागल की तरह ढूंढते हैं। ढूंढते क्या है, ये तो मार्केट में मिलता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फेक यूट्यूबर हैं जो अपना व्यू बढ़ाने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन सच वीडियो देखने से दूर भागते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसका क्या वैल्यू बताया सर अंदर में, एग्जीबिशन के अंदर? कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो खुद RBI अमीर होता, 5-10 रुपये का क्वाइन छाप के 5-5 लाख में 2-2 लाख में बेचता, ऐसा नहीं होता है। गेंडे वाला? हाँ एक गेंडे वाला, मैंने सारे का वीडियो बनाया है। अगर इस सबका किसी का भी वैल्यू जानना हो तो मेरे चैनल पे जाए, वीडियो लिस्ट ओपन करे, ये पूरा देखे। ये गेंडे वाला का भी है, मैंने बताया। तो दोस्तों इसका क्या वैल्यू बताया सर? गेंडे वाले का बोले नहीं, वो कुछ बोलते नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर बताइए कीमती रहता तो कोई ना कोई तो ले लेता ना। हाँ जी। तो ऐसा नहीं होता है। अब एक और दो, एक और ये देखिए, बहुत सारा नोट लेकर आए हैं जवाहरलाल, ये सब का मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाया है। ठीक है, तो इसका क्या वैल्यू है, एक नोट का क्या वैल्यू है, UNC का क्या वैल्यू है, गड्डी का क्या वैल्यू है, मैंने सबका वीडियो बनाया है। प्लीज़ आपको अगर किसी फ्रेंड के पास ऐसा कलेक्शन हो जो वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ, या कोई कलेक्शन हो, नोट्स हो, क्वाइन हो, तो सबसे पहले आप जाकर मेरे चैनल पे वीडियो लिस्ट ओपन करें, 180 प्लस वीडियो है, उसको देखें वैल्यू। प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप नहीं करें, आज मैं सुबह में देखा 100 व्हाट्सअप आया हुआ है। अरे व्हाट्सअप का मतलब रियर। अब जैसे ये देखिए, ये सारे भी नोट हैं, इसका मैंने गड्डी का क्या नोट है, एक नोट का क्या है, रेयर कौन है,
साड़ी का वैल्यू बताया है। अच्छा दोस्त सर इसका क्या वैल्यू बताया, इसे बताता हूँ। दो रुपये नहीं है लेकिन 4 रुपये इसका वैल्यू होता है। यूट्यूब का नाम क्या? जी एन ए कलेक्शन। जी सर जी एन ए कलेक्शन। अब इसमें क्या है, ये अलग अलग है, देखिए 2 रुपये 3 रुपये नहीं है, ये यूएनसी होता है तो 8 रुपये में हम लोग 7 रुपये में लेते हैं। यूएनसी मतलब कड़क नोट ही दे, कलेक्शन एक शौक है कड़क का है। इसका कितना वैल्यू बताया आपने? इसका भी 4 रुपये बोला था, 4 रुपये। हाँ तो ये 4-5 में, लेकिन यूएनसी होता तो 6 रुपया, गड्डी होता तो 1000 से 1100 रुपया भी इसका रेट चल रहा है। इसका गड्डी किसी भी फ्रेंड के पास हो, इंडिया से कहीं से भी हो, 1500 में मैं ले रहा हूँ गड्डी, यानी 100 पीस सीरियल होना चाहिए, कोई दाग धब्बा नहीं। ये गड्डी होने से मैं 1200 रुपया तक लूँगा, एकदम यूएनसी होने तो मिनिमम 1000 रुपया। ये अगर किसी फ्रेंड के पास गड्डी हो तो भेजिएगा, ऐसा यूज नोट मत भेजिएगा। तो ये अगर ऐसा हो तो 1000 रुपया 900 तक मैं बाइंग करता हूँ। और ये ट्रैक्टर वाला का रियल वैल्यू बताता हूँ, गड्डी का 1000 रुपया है और ये गड्डी का 800 रुपया वैल्यू होता है। कहाँ गई ये नए वाले का, ये पुराने में है, इसमें गांधी जी है, इसमें अशोक स्तंभ है। हो गया दोस्तों, तो ये बहुत सारे, ये क्वाइन भी लेकर आए हैं बहुत सारे, आप देखिए। अच्छा इनके बाद इसका क्या वैल्यू लगा यहाँ पे, कुछ लगा? तो दोस्तों पहले दिन में बताया हूँ, बहुत सारे कॉमरेटिव क्वाइन आते हैं जो RBI गवर्नमेंट हमेशा निकालती रहती है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कुछ भी मार्केट में उठा के आप लोग चले आते हैं और सब सोचते सब महंगा है, ऐसा कुछ नहीं है, महंगा भी है। उसके लिए आपको वीडियो देखना होगा मेरे चैनल का कि कौन सा रेट है। वैष्णव देवी का क्या है? वो अरे 5 रुपया है तो उसका चाय पीने वाला है वैष्णो देवी का रेट। तो किसी सब लोग इधर यूट्यूब पे 1 लाख रुपए का वो दाम बता रहे हैं। अरे तो उसी को तो लोग देख रहे हैं, इसके लिए तो नहीं 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 हम ये क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं कि ये 5.5 का वैल्यू है तो सब लोग 1 लाख रुपए देखकर इधर आते हैं और फिर धंधा नहीं होता है। आपको अच्छा चैनल तो कोई देखते नहीं है ना, मैं तो बनाया उसका वीडियो 6 रुपया का, कौन देख रहा है? अभी तक 2200 व्यू है और जो फेक बताया है उसका 2000 व्यू है, 10-10 हजार, सॉरी हाँ जिसने फेक बनाया 3-3 लाख व्यू है। क्योंकि नहीं नहीं सुनिए, आज के डेट में हमारे देश में एक सबसे अच्छा है, थोड़ा घुमा देना। आज के देश में क्या है कि झूठ को बहुत जल्दी फॉलो करते हैं, सच के पीछे नहीं। कोई बंदा आया वीडियो बनाया बोला मान गया, मैं इसको लाइट दिखाता हूँ, परेड कली दिखाता हूँ। वो ये 5 रुपए का इंदिरा गांधी है, वो कितने का है? वो भी कॉमन होता है 10-20 रुपए का, वो 20 रुपए तो क्यों सब लोग ने बहुत ज्यादा लगा दिया है। आपका क्या नाम है बताइए? मेरा नाम हरि राय है। सॉरी आप ब्रश से पूछो तो अरे बाप इसी के लिए आए हैं? नहीं नहीं इधर से महाराष्ट्र रहते हैं। ये 5 रुपए का बिहार से आए हैं, बहुत मैं टू पीपल देखता हूं ना परमत। हां हां इसके लिए मैं बोला जाकर पर देखता हूं। मेरा स्टॉल है, स्टॉल नंबर 55 है, लास्ट में आइएगा, विजिटिंग कार्ड जिनको चाहिए दे दूंगा। हाँ दे दूंगा, आप आराम से देखिए, कोई भी कलेक्शन हो उसका आप पहले वैल्यू देखो, कलेक्शन करने से पहले वैल्यू जानिए, वैल्यू जब तक नहीं जानेंगे पैसे कलेक्शन करेंगे। GNA कलेक्शन जी, ओके मैम। चलिए थोड़ा अंदर का व्यू दिखा देते हैं या मैं थोड़ा लेकर, चलिए ना अभी साथ में देख लीजिए, बहुत सारे इंडिया से लोग आए हुए हैं, थोड़ा मैं आप लोग को अंदर का व्यू दिखा देता हूँ। संदीप जी आइए। अरे और सर? और सब तो ठीक है। तो ये दे तो आपको पता है श्री सुंदर भाई हॉल में है, दोस्तों ये आप देख सकते हैं पूरे आज इस एग्जीबिशन का लास्ट डे, और ये इस एग्जीबिशन का आज लास्ट दिन है, ये बहुत ही रस है। और ये एग्जीबिशन आज संडे का दिन है, ये ख़त्म हो जाएगा। और ये हमारे संदीप जी हैं, जो भी फ्रेंड के पास मेडल हो वो भी सिल्वर का ना, क्या चीज़ का, सिल्वर हो, कॉपर हो, मेडल हो, कोई भी सिल्वर का, कॉपर हो, मेडल हो, ये सब आपके पास हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, ठीक है दोस्तों। और कोई भी कोई भी क्वाइन आपके पास, कोई भी कलेक्शन हो ना, सबसे पहले उसकी वैल्यू जानी है। प्लीज़ डायरेक्ट मुझे नहीं बोलिए कि मुझे सेल करना है, मैं कहीं भी क्वाइन नोट्स बाइंग करता हूँ ओनली एग्जीबिशन में, मैं ऑल ओवर इंडिया में थोड़ी जा सकता हूँ, सिंपल सा लॉजिक है। इंडिया में किसी भी शहर में एग्जीबिशन होगा मैं अपडेट दूंगा और मैं वहाँ बताता हूँ कि मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। मैं आऊँगा, आपको लगेगा कि आपके शहर से नज़दीक है तो मोस्ट वेलकम, आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं इसके लिए व्यू दिखाया दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सही जानकारी हो, फ्रॉड से बचे। और एक और चीज़, एग्जीबिशन के अंदर कोई फीस नहीं लगता है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगता है, और ना मैं किसी से रजिस्ट्रेशन लेता हूँ, ना कोई चार्ज है, ना मैं घर जाके क्वाइन कलेक्ट करता हूँ किसी को, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे बोलते हैं ना मैं घर पे मैं आ रहा हूँ ये पैसे दो, उससे बचे, जिसने आपसे पैसा मांगा कलेक्ट
बाइंग के नाम पर समझो आपके साथ फ्रॉड होगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सही जानकारी मिले। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। जीनी कलेक्शन की तरफ से आप लोग का धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।